Hey everyone, what's up? I hope all you are good. So welcome back to my channel and today we're gonna make spicy tastiest chili mushroom recipe जो बहुत ज़्यादा tasty और yummy होती है and mushroom का season है so why not chili paneer की जगह mushroom chilies बनाए जाए. So let's get started. So सबसे पहले हम लेंगे freshly garlic जिसे मैंने पहले से peel कर लिया है. अब हम इसे चॉप करेंगे. आपको इसे रफली चॉप करना है जैसे मैंने किया है. जस्ट टेक द नाइफ एंड सभी गार्लिक्स को बोर्ड पे या फिर किसी भी प्लेट्स पे रख के ऐसे चॉप कर लें. इसके बाद अब हम लेंगे एक अनियन. यहाँ पे मैंने इसे स्लाइटली कट कर लिया है और इसे चॉपर में डाल के फाइनली चॉप्ड कर लिया है. सो ये बेसिक चीज़ें थी. अब हम रखेंगे इसको साइड और लेंगे अपने वाइट मशरूम्स. सो अगर आप चाहे तो डब्बे वाले मशरूम्स का भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये ज़्यादा फ्रेश होते हैं और बहुत ही ज़्यादा यमी बनते हैं इसके चिलीज मशरूम. तो आप प्रेफर करें कि यही लें. सो इसे हम अच्छे से कर लेंगे पहले वॉश. अगर आपके मशरूम्स ज़्यादा गंदे हैं तो आप एक बॉयल में उसे अच्छे से धुल भी सकते हैं. यहाँ पर मैंने ऐसे ही इसे वॉश कर लिया क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी फ्रेश थे. सो इसे अच्छे से वॉश करने के बाद अब हम इसे करेंगे चॉप्ड. तो इस बात का ध्यान रखिए जैसे मैंने इसे चॉप किया है आप भी उसे वैसे ही चॉप करें ताकि इसकी चिलीज अच्छे से बन सके. यहाँ पे मैंने बड़े मशरूम्स को 4 parts में और छोटे साइज के जो मशरूम थे उसे 2 parts में काटा है जिससे हमारे मशरूम चिलीज में अच्छा टेस्ट और क्रंच बना रहे हैं. सो इसी तरीके से सभी मशरूम्स को कर लेंगे हम कट और रखेंगे दूसरे प्लेट में. सो हियर वी गोना मेक चिली मशरूम्स. सो मशरूम्स कट चुके हैं. अब हम इसके ट्रांसफ़र करेंगे दूसरे बड़े बाउल में. बाउल में हम इसलिए ट्रांसफ़र करेंगे क्योंकि अब हम इसकी करेंगे कोटिंग जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इसमें सबसे पहले डालेंगे 1 बड़ा चम्मच मैदा. इसके बाद अब हम डालेंगे 1 बड़े चम्मच आला रोट या फिर कॉर्नफ्लावर जो भी आपके पास हो. अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा रंग. रंग ना हो तो कश्मीरी पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं. सॉल्ट आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग. एंड इसके बाद हम ऐड करेंगे थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट. आप चाहे तो ये पेस्ट घर पे भी बना सकते हैं और यहाँ पे मैंने 1 बड़े चम्मच पेस्ट इसमें ऐड किया है. सभी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स. ध्यान रखें गार्लिक पेस्ट अच्छे से सभी जगह कोट हो जाए ताकि वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा फ्लेवर देगा. अब हल्का हल्का पानी डालकर हम इसे अच्छे से इस तरीके से तैयार कर लेंगे. अब करते हैं पैन को गर्म और इसमें हम डालेंगे ढेर सारे रिफाइंड ऑयल ताकि हम इसे अच्छे से फ्राई कर सकें. रिफाइंड के गर्म होते ही बारी बारी करके सभी मशरूम्स को अब हम इसमें डाल देंगे. ध्यान रखें गैस ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा लो फ्लेम पे रहें. टेक इट मीडियम ताकि अच्छे से ये एकदम क्रिस्पी हो जाए अंदर तक. अच्छे से फ्राई करते रहें इसे और धीरे धीरे स्टर करें. ध्यान रखें ये आपस में चिपके नहीं जिससे ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब भी हो सकते हैं. सो आराम से इसे फ्राई करें. अब हम इसके बाद इसको करेंगे ट्रांसफ़र. जैसे कि हमारे सभी मशरूम्स फ्राई हो जाएंगे हम इसे दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र करना है. ध्यान रखें टिश्यू पेपर या फिर नॉर्मल पेपर का यूज़ करें जिससे ये सभी सोक्ड हो जाएं. सो आफ्टर दिस पैन में बचे हुए तेल में हम सो दिस इज़ द विंटर सीजन. आपको बहुत सारे वेजिटेबल्स मिल जाएंगे. सो सबसे पहले यहाँ पर मैंने लिया है अनियन जिसे मैंने इस तरीके से कलियों में अलग अलग कर लिया है. अब आप चाहे तो इसमें कोई भी वेजिटेबल्स अपने पसंद की ऐड कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने आज अनियन कैप्सिकम ये सब सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं. सो अनियन के हल्के से ब्राउन होते ही हम इसमें कैप्सिकम ऐड करेंगे. यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में कैप्सिकम्स को कट कर लिया है. शिमला मिर्च के पकते ही आप अपने गैस को थोड़ा लो कर दें ताकि ये अच्छे से पक जाएं और हमारे जो नीचे गार्लिक और अनियंस है वो जले नहीं. अब हम इसमें डालेंगे चिलीज. आप चाहे तो चिलीज स्किप भी कर सकते हैं अगर आप तीखा नहीं खाते तो. सभी को कर लेंगे अच्छे से मिक्स और इसके बाद हम डालेंगे इसमें सॉसेस. सबसे पहले टोमेटो सॉस, इसके बाद हम डालेंगे चिली सॉस. चिली सॉस आप अपने अकॉर्डिंग डालें. अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो सेज़वान चिली भी यूज़ कर सकते हैं. देन आफ्टर दिस थोड़ा सा विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस. अब हम इसके बाद डालेंगे इसमें कॉर्नफ्लावर की स्लरी. 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर को पानी में डालकर इस तरीके से घोल बनाकर अब हम इसमें डालें जिससे कि एक बहुत ही अच्छा ग्रेवी टेक्सचर तैयार हो जाए हमारे चिलीज़ में. सो अब हम इसे कर लेंगे अच्छे से मिक्स और हम इसे पकाएंगे थोड़ी देर के लिए जिससे इसका कच्चापन निकल जाए. इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट. पहले भी हमने सॉल्ट डाला था तो आप आराम से डालें, ज़्यादा ना डाल दें. अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे और इसमें डालेंगे अपने मशरूम्स को जिसे हमने पहले ही फ्राई कर लिया था. पूरे मशरूम को इसमें डालने के बाद
हम गैस को हाई फ्लेम पे करके इसे अच्छे से रोस्ट कर लेंगे, जिससे इसमें बहुत ही अच्छा कलर और टेक्सचर आ जाए। सो इसके पकने के बाद कुछ इस तरीके से कलर आपका आ जाएगा और हमारी टेस्टियस मशरूम चिली बनकर तैयार है, जिसे आप आराम से फ्राइड राइस, नान, रोटी जिसके साथ भी खा सकते हैं। अगर आप इसमें कॉर्नफ्लोर वाली स्लरी स्किप कर दें तो आप इसे ड्राई चिली मशरूम्स की तरह भी सर्व कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी और रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू, बाय बाय।